हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश कुमार भारती का 3.4 लेसन, हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन। बच्चों, ये लेसन रड यर्ड किपलिंग के लिखी गई स्टोरी हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन से लिया गया है। रड यर्ड किपलिंग का जन्म 1865 में मलाबार हिल्स बॉम्बे में हुआ था और उनकी डेथ 1936 में फ्रिट्सोविया लंदन में हुई थी। रड यर्ड एक इंग्लिश पत्रकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोएट थे और एक बहुत ही बेहतरीन नॉवेलिस्ट भी थे। इनका सबसे फेमस वर्क है द जंगल बुक, जिस पर कई सारे कार्टून्स और मूवीज भी बन चुकी है। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। एक बार की बात है जब सबसे शुरुआती समय था और एक नियोलिथिक आदमी मतलब स्टोन एज मैन का लास्ट फेस, जिसे हम न्यू स्टोन एज मैन भी कहते हैं, करीब 10,000 BC के समय में गुफा में रह रहा था। गुफा मतलब एक बड़ा सा होल जो कि किसी माउंटेन में होता है, जहाँ बहुत ही अंधेरा होता है और ठंड होती है। अब जो आदमी गुफा में रहता था वो बहुत ही कम कपड़े पहना करता था, वो ना ही तो पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था, और अगर देखा जाए तो वैसे उस समय में पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसके अलावा वो आदमी तब ही खुश होता था जब उसके पेट से भूख के वजह से आवाज़ें आने लगती थी, और उस आदमी का नाम था तेगुमाय बॉप्सुलाय, जिसका मतलब होता है एक आदमी जो हमेशा अपने काम को लेकर सावधान रहता है और कभी भी हड़बड़ाहट में जल्दी में अपना पैर आगे नहीं रखता है। पर हम हमारे इस प्यारे से किरदार को कहानी में शॉर्ट में तेगुमाय के नाम से बुलाएंगे। तेगुमाय की एक पत्नी थी जिसका नाम था तेशुमाय तेविंड्रो, जिसका मतलब होता है एक ऐसी औरत जो हमेशा बहुत उत्सुक होती है सवालों के जवाब जानने के लिए और बहुत सारे सवाल करती है। पर हम हमारे इस प्यारी सी सवाल पूछने वाली किरदार को कहानी में तेशुमाय के नाम से बुलाएंगे। अब कहानी में आ रही है एक छोटी सी लड़की जो तेगुमाई और तेशुमाई की एक लौती बेटी है, जिसका नाम है टैफीमाय मेथलुमाय, जिसका मतलब होता है एक छोटी सी बच्ची जिसमें मैनर्स नहीं है और वो हमेशा किसी भी बात का पालन नहीं करती है, इसलिए उसे हमेशा बैक पर मार पड़ती है। पर हम इस कहानी में उसे टैफी कहकर बुलाएंगे। टैफी अपने पापा तेगुमाई और अपनी मम्मी तेशुमाई की दोनों की फेवरेट है, दोनों भी उसे बहुत चाहते हैं और ये तीनों खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। अब कहानी ध्यान देकर सुनो। एक दिन तेगुमाई हिल से नीचे गए, जहां रास्ते में उन्हें बीवर स्वैम्प लगा। स्वैम्प मतलब एक गड्ढे वाला एरिया जिसमें पानी भरा होता है और जिसके आसपास झाड़ियाँ होती है, जिसे हम दलदल भी कहते हैं। और बीवर स्वैम्प का मतलब है गीले एरिया में पाए जाने वाला एनिमल बीवर। बीवर एक बड़े साइज का चूहा होता है जो ज़मीन पर और पानी में रहता है, जिसके आगे के दो दांत लंबे होते हैं, शरीर पर ब्राउन कलर का फर होता है और फ्रंट फीट हाथों के जैसे होते हैं। तेगुमाई नीचे वेगाई नदी पर इसलिए आए थे क्योंकि वो कार्प जाति की मछली को अपने भाले से मारकर डिनर के लिए पकाकर खाना चाहते थे, और कार्प मछली का शिकार करने के लिए उनके साथ उनकी बेटी टैफी भी आई थी। बच्चों, कार्प मछली एक ऑयली फ्रेश वाटर फिश है। पर तेगुमाई का जो भाला था वो लकड़ी का था, जिसके पीछे एंड पर उसे नोकेला बनाने के लिए एक शार्क का दांत लगा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो मछली पकड़ पाते, उनका लकड़ी का भाला अचानक से टूट गया मछली पर प्रहार करते समय गलती से नदी के तल पर लगकर। अब मुसीबत ये थी कि वो अपने घर से मिलो दूर थे और तेगुमाई भी अपना एक्स्ट्रा भाला लाना भूल गए थे। किस मुसीबत में फंस गया, मुझे इस भाले को ठीक करने में पूरा आधा दिन लग जाएगा। पर पापा, आपका काला बड़ा वाला भाला तो घर पर ही है, मैं जल्दी से घर पर भाग कर जाती हूँ और मम्मी को भाला देने के लिए कहती हूँ। बेटा, तुम्हारे छोटे से मोटे पैरों के लिए हमारे घर का रास्ता तय करना मुश्किल है और हमारा घर काफी दूर है। इसके अलावा अगर तुम वहां गई तो तुम दलदल में गिर जाओगी और डूब जाओगी। हमें अपने इस बुरे हालात को अपनाना ही पड़ेगा और जो कुछ भी काम करना है वो इन्हीं हालातों में करना पड़ेगा।
ऐसा कहकर तेगुमाई अपने चमड़े का मरम्मत करने वाला बैग निकालते हैं, जिसके अंदर 12 सिंगा हरिन की सूखी हुई नसें थी जो रस्सी की तरह मजबूत थी, और बैग में चमड़े के टुकड़े भी थे। और इसके अलावा तेगुमाई की बैग में मधुमक्खी के छत्ते से निकला मोम भी था और पेड़ से निकला राल भी था जो भाला ठीक करने के काम आ सकता था। पर डैडी, ये कितना बकवास है कि आपको और मुझको ये पता ही नहीं है कि लिखते कैसे है। सही कह रही हूँ ना मैं? अगर हमें लिखते आता तो हम नया भाला लाने के लिए घर पर संदेश भेज सकते थे। फिर अचानक से एक अजनबी आदमी नदी के पास आया, और वो आदमी बहुत दूर के आदिवासी कबीले से संबंध रखता था। वो था एक तेवारा, और वो तेवारा आदमी तेगुमाई की भाषा का एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा था। अब वो नदी के किनारे खड़े रहता है और टैफी को देखकर स्माइल करता है, क्योंकि उसे भी एक बेटी थी जो टैफी के ही उम्र की थी। तेगुमाई अपना काम करने में व्यस्त होता है, इसीलिए वो अपने मरम्मत करने वाले बैग में से हरिन की सूखी हुई नसों का गुच्छा निकालता है और अपना भाला ठीक करना शुरू कर देता है। अब टैफी की नज़र जब उस अजनबी आदमी पर पड़ती है तो टैफी कहती है, यहाँ आओ, तुम्हें पता है मेरी मम्मी कहाँ रहती है? टैफी अब नदी के ओर देखकर अपना पैर जोर से पटकती है, क्योंकि उसने अभी अभी बड़ी बड़ी कार्प मछलियों का झुंड नदी में से जाते हुए देखा जब उसके डैडी भाले को सुधारने में लगे हुए थे। टैफी की इस हरकत को देखकर तेगुमाई ने कहा, टैफी मुझे परेशान करना बंद करो, आखिर कब तक तुम यूं ही बच्चों जैसी हरकतें करती रहोगी, बड़ी हो जाओ अब। तेगुमाई अपना भाला ठीक करने में इतने व्यस्त होते हैं कि वो पीछे मुड़कर टैफी के ओर एक बार भी देखते नहीं है। मैं परेशान नहीं करूंगी डैडी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ जो मुझे उससे करवाना है वो वही करे, पर वो मेरा कहा समझ ही नहीं पा रहा है। तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे तंग मत करो। ऐसा कहकर तेगुमाई अपने मुंह में पकड़े हुए कुछ रस्सी जैसे मजबूत नसों के टुकड़ों से कस कर खींच खींच कर भाले को बांधने की कोशिश करते हैं, और वो अजनबी आदिवासी आदमी एक सच्चा तेवारा घास पर बैठ जाता है, और टैफी उसे बताती है कि उसके डैडी क्या कर रहे हैं। वो तेवारा आदमी टैफी को देखकर सोचता है, ये कितनी निराली बच्ची है जो मुझे देखकर अपने पैर पटकती है और अलग अलग चेहरे बनाती है। वो सोचता है, ये ज़रूर उस महान मुखिया की बेटी होगी जिसने अभी तक मेरी ओर मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, इसलिए वो और भी ज़्यादा पोलाइटली स्माइल करता है। अब टैफी उस तेवारा से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मम्मी के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे पैर मेरे पैरों से लंबे हैं, इसलिए तुम दलदल में भी गिरोगे नहीं। फिर तुम भागते भागते मेरे घर पहुँच जाना और मेरी मम्मी से मेरे डैडी का दूसरा भाला भी मांग लेना, जिसका हैंडल काला है जो कि चिमनी के ऊपर लटका हुआ है। अरे, ये तो बहुत ही निराली बच्ची है जो मुझे देखकर अपना हाथ हिला रही है और मुझ पर चिल्ला भी रही है, पर मुझे तो इसका कहा एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। पर अगर मैंने इस बच्ची का कहा नहीं माना तो मुझे डर है कि वो घमंडी मुखिया जो मुझे कब से नज़रअंदाज कर रहा है वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद तेवारा आदमी उठता है और बिर्च पेड़ की एक बड़ी सी छाल निकालता है और टैफी को देता है। तेवारा आदमी ने पेड़ की छाल इसलिए निकाली क्योंकि वो टैफी को बताना चाहता था कि उसका दिल बिर्च पेड़ की छाल की सफ़ेदी की तरह सफ़ेद है और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। पर टैफी को उसकी हरकत कुछ खास समझ में नहीं आती है। ओह, अब मुझे समझा, तुम मेरी मम्मी का लिविंग एड्रेस पूछ रहे हो ना? ऑफकोर्स मैं लिख नहीं सकती हूँ, पर मैं पिक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई नोकीली चीज हो तो उसे लकड़ी की छाल पर मैं स्क्रैच कर मम्मी का लिविंग एड्रेस बता सकती हूँ। क्या तुम मुझे तुम्हारे गले के हार का शार्क का दांत थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? इस सवाल को सुनने के बाद वो तेवारा आदमी टैफी को कुछ नहीं कहता है, इसलिए टैफी अपने छोटे छोटे हाथों से तेवारे के गले का सुंदर मणके और बीज से बना शार्क के दांत वाला हाथ खींचने की कोशिश करती है। अरे, ये तो बहुत 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 ही आश्चर्यजनक बच्ची है,
जो शार्क का दांत मेरे हार में था वो तो एक चमत्कारी शार्क का दांत था, और मुझे हमेशा ऐसा ही बताया गया कि जो कोई भी मेरी इच्छा के बिना इस हार को छुएगा उसमें उसी वक्त फूगे की तरह फूक कर स्पॉट हो जाएगा, वो वही फूट जाएगा। पर ये बच्ची तो फूगे की तरह फूटी नहीं और ना ही इसका विस्फोट हुआ, ये तो सही सलामत है। और वो महान मुखिया अभी तक सख्ती से पूरा ध्यान लगाकर अपना काम कर रहा है और उसने अभी तक मुझे पलटकर देखा नहीं है, और वो तो जरा भी डरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि उसकी बच्ची ने एक चमत्कारी दांत को छू लिया है और अब उसकी बच्ची के टुकड़े भी हो सकते हैं, उसकी जान भी जा सकती है। ये लोग जरूर खास लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने अच्छे लोगों से मिलने के बाद मुझे और भी नरमी से पेश आना चाहिए। इसलिए वो टैफी को शार्क का दांत अपने हार में से निकाल कर दे देता है और टैफी अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाती है अपने दोनों भी पैरों को हवा में झुलाते हुए, जिस तरह कुछ लोग ड्राइंग रूम के फ्लोर में करते हैं जब वो पिक्चर ड्रॉ करते हैं तब। अब मैं कुछ सुंदर तस्वीरें निकालती हूँ, अगर तुम्हें तस्वीर देखनी है तो तुम थोड़े से मेरे कंधे के ओर झुककर इस तस्वीर को देख सकते हो, पर तुम इधर उधर हिलना मत वरना मेरा ध्यान भटकेगा। तो सबसे पहले मैं डैडी को मछली पकड़ते हुए निकालती हूँ। मेरे निकाले हुए डैडी दिखने में डैडी की तरह तो नहीं लग रहे हैं, पर मम्मी समझ जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ डैडी का भाला भी निकाला है जो कि पूरी तरह से टूट चुका है। ठीक है, अब मैं दूसरा भाला निकाल रही हूँ जो डैडी को चाहिए, काले हैंडल वाला भाला। ये भाला मैंने डैडी के कुछ ज़्यादा ही पास निकाल दिया, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये काला भाला डैडी के पीठ में चिपक गया है। पर ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शार्क का दांत भाले को ड्रॉ करते समय गलती से मेरे हाथों से फिसल गया, और ये बीच पेड़ की छाल भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, इसलिए मुझे कम जगह में सब कुछ पास पास में बनाना पड़ रहा है। देख रहे हो तुम, ये रहा वो भाला जो तुम्हें जाकर लाना है, इसलिए मैं मेरी पिक्चर खुद ही बना रही हूँ तुम्हें अच्छी से समझाते हुए। मेरे बाल वैसे तो खड़े नहीं है जैसे मैंने तस्वीर में बनाए हैं, पर इस तरह से तस्वीर निकालना आसान था इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। अब मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो सच में, पर मैं तुम्हें इस तस्वीर में सुंदर नहीं निकाल पाऊंगी, इसलिए तुम उदास मत होना। क्या तुम उदास होंगे, बोलो बोलो। वैसे तो तेवारा आदमी को टैफी की कही हुई एक भी बात समझ में नहीं आती है, पर टैफी को सुनने के बाद वो टैफी को देखकर हंसने लगता है और वो मन में विचार करता है, जरूर कहीं पर तो भी एक बड़ा युद्ध होने वाला है, और ये असाधारण बच्ची जिसने मेरे गले के हार में से शार्क का दांत निकाल लिया और इसका विस्फोट भी नहीं हुआ, वो मुझे कह रही है कि मुझे सभी आदिवासी कबीलों के मुखिया को बुलाकर लाना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। देखो मैंने बहुत ही मुश्किल से ड्रॉ किया है, बल्कि शार्क के दांत को छाल पर रगड़ रगड़ कर ड्रॉ किया है। मैंने तुम्हें इस तस्वीर में निकाला है और मैंने इस तस्वीर में तुम्हारे हाथों में भाला भी दिया है जो तुम्हें जाकर लाना है। अब मैं तुम्हें मेरी मम्मी का लिविंग एड्रेस कैसे ढूंढना है वो बताती हूँ। तुम्हें बिल्कुल इस रास्ते से सीधे सीधे जाना है जब तक कि रास्ते में दो पेड़ नहीं लग जाते, और फिर तुम्हें एक हिल लगेगी और उस हिल पर चढ़ जाना। जब तुम उस हिल पर से उतरोगे तब तुम्हें रास्ते में बीवर्स का गिल्ला पानी से भरा एरिया लगेगा जहाँ बहुत सारे बीवर्स रहते हैं। मैंने तस्वीर में सारे बीवर्स निकाले नहीं हैं क्योंकि मुझे बीवर्स निकालना नहीं आता है, पर मैंने उनके सिर निकाले हैं और बस इतना ही। जब तुम उस दलदल वाले इलाके से निकलोगे तब तुम उन्हें रास्ते में देख ही लोगे, और मुझे बुरा लगेगा अगर तुम दलदल में गिर गए तो। और हमारी गुफा बस इस बीवर वाले गीले इलाके के आगे है। ये जगह असल में पहाड़ी जितनी ऊंची नहीं है,
पर मुझे तस्वीर में ज़्यादा छोटी चीज़ें निकालनी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने हमारी गुफा की जगह को ऊंचा बताया है। ये जो तस्वीर में गुफा के बाहर एक औरत खड़ी है, वो मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। मेरी मम्मी अब तक की सबसे सुंदर मम्मी है और वो ये तस्वीर देखकर उदास भी नहीं होंगी कि मैंने उसे तस्वीर में बहुत ही सादा निकाला है, बल्कि वो तो खुश हो जाएगी कि मैंने तस्वीर निकाली है। अगर मेरे घर तक पहुँचते पहुँचते तुम गलती से भूल गए कि तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था, तो तुम इस तस्वीर को देख लेना। मैंने तस्वीर में भाला निकाला है जो डैडी को चाहिए, पर मैंने यह भाला गुफा के बाहर निकाला है। असल में यह भाला गुफा के अंदर है, पर तुम ये तस्वीर मेरी मम्मी को दिखाना, वो तुम्हें घर में से भाला लाकर दे देंगी। मैंने तस्वीर में मम्मी के दोनों हाथ ऊपर की ओर बताए हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। क्या ये एक सुंदर तस्वीर नहीं है? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कुछ समझ में आया या तुम्हें फिर से समझाऊं? तेवारा आदमी ने उस तस्वीर को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा और उसे कुछ समझा नहीं, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। तेवारा ने खुद से कहा, अगर मैं इस महान मुखिया के कबीले के लोगों को इसकी मदद करने के लिए जाकर बुलाकर नहीं लाया, तो इसके दुश्मन जो कि चारों ओर से अपने भाले के साथ ऊपर आ रहे हैं, वो इसे बहरमे से मार डालेंगे। अब मुझे पता चला कि वो महान मुखिया मेरी तरफ ध्यान नहीं देने का दिखावा क्यों कर रहा था। उसे डर था कि उसके दुश्मन झाड़ियों में छिपकर उसे देख रहे हैं, और इसीलिए वो मुखिया मेरी तरफ पीट करके कब से बैठा था, और इसी की वजह से ये होशियार बच्ची ने इतनी डरावनी तस्वीर बनाई मुझे अपने पिता की मुसीबत समझाने के लिए। मैं जल्दी से जाता हूँ और इसके कबीले के लोगों की मदद लेकर आता हूँ। अब तेवारा इतने जल्दी में निकलता है कि वो टैफी से रास्ता तक पूछता नहीं है। तेवारा फटाफट झाड़ियों को पार करता है किसी हवा की तरह, अपने हाथों में बीर्च पेड़ की छाल पकड़े हुए जिस पर टैफी ने तस्वीर निकाली थी। और ये वो तस्वीर है जो टैफी ने निकाली थी। अगर हम इस तस्वीर को समझे तो हमें तेगू माई के हाथ का भाला टूटा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे तेगू माई के पेट में भाला खुपसा हुआ है, क्योंकि इसे बनाते वक्त टैफी के हाथ से शार्क का दांत फिसल गया था। दरअसल ये वो ब्लैक भाला है जो टैफी के डैडी मंगवाना चाहते थे, और ये जो पीछे खड़ा है ये तेवारा आदमी है। टैफी ने इसके हाथ में भाला दिया है जो उसे गुफा में से जाकर लाना है, पर उसने ये भाला कुछ ज़्यादा ही लंबा बना दिया है और उस बीर्च बार्क की छाल पर ज़्यादा जगह भी नहीं थी, इसलिए टैफी सब कुछ पास पास में ही निकाल रही थी, जिस वजह से ये भाला उसके पापा की पीठ को टच करता हुआ तस्वीर में नज़र आ रहा है। तस्वीर में ये वो हिल है जिस पर तिवारा को चढ़ना है, और उतरते समय उसे रास्ते में बीवर लगेंगे। ये सारे बीवर्स है, और इस रास्ते को पार करने के बाद टैफी की गुफा आएगी, और ये टैफी की मम्मी है। तिवारा भूल ना जाए, इस वजह से टैफी ने अपनी गुफा के ऊपर एक और भाला निकाला है उसे याद दिलाने के लिए कि उसे ये भाला जाकर लाना है, और ये टैफी खुद है जिसने ये महान कलाकारी की है। अब ये अजीब सी तस्वीर बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली है। इसे देखकर तेवारा ने भी कुछ और ही समझ लिया, और तेशुमाई भी इसे देखकर कुछ और ही समझ लेगी। तो तेशुमाई इसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, ये जानने के लिए आइए कंटिन्यू करते हैं कहानी को। तुम क्या कर रही थी टैफी? देखो मैंने इस भाले को ठीक कर लिया है। डैडी डियर, मैं तो बस अपने ओर से एक अरेंजमेंट कर रही थी। अगर आपने मुझे अभी ये सवाल नहीं पूछा होता तो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाता और आप छोड़ जाते। आप नहीं जानते कि आप कितने हैरान होते डैडी। डैडी प्रॉमिस, आप हैरान हो जाते। बहुत अच्छे, और अब मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ।
अब वो तेवारा बड़े ही जल्दी में तस्वीर लेकर भागते हुए मिलो तक पहुंच जाता है और इत्तफाक से तेशुमाई उसे गुफा के दरवाजे पर ही मिल जाती है दूसरी नियोलिथिक लेडीज के साथ बात करते हुए, जो कि दोपहर के खाने के लिए तेशुमाई के घर पर आई थी। टैफी काफ़ी हद तक तेशुमाई की तरह ही लगती थी, स्पेशली चेहरे के ऊपर का हिस्सा और आंखें सेम थी, और इसीलिए तेवारा आदमी और भी नम्रता से हंसता है और उस पेड़ की छाल पर निकाली गई तस्वीर को तेशुमाई के हाथ में थमा देता है। तेवारा आदमी बहुत दूर से भागते भागते आया था, इसलिए वो हाँफ रहा था और उसके पैरों पर काफ़ी सारी खरोचे आई थी रास्ते में लगी हुई कांटेदार झाड़ियों की वजह से, फिर भी वो नरमी से पेश आ रहा था। अब जैसे ही तेशुमाई उस तस्वीर को देखती है, वो बहुत बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उस तेवारा पर छलांग मार देती है। बाकी की सारी नियोलिथिक लेडीज उस तेवारा आदमी को मार मार कर नीचे गिरा देती है और सबके सब एक लाइन में उसके ऊपर बैठ जाती है और तेशुमाई उसके बाल जोर से खींचने लगती है। तेशुमाई सबसे कहती है, सुनो बहनों, इसने मेरे पति तेगुमाई को चारों ओर से भालों से घेर लिया है और ये सब देखकर मेरे बेचारी बेटी टैफी इतना डर गई कि उसके बाल खड़े हो गए और इतना सब करने से भी इसे संतुष्टि नहीं मिली, तो ये मुझे दिखाने के लिए ये डरावनी तस्वीर ले आया कि इसने इस काम को अंजाम कैसे दिया। देखो बहनों, देखो, तुम भी देखो, ये रहा मेरा पति तेगुमाई जिसका हाथ टूट गया है और ये रहा भाला जो उसके पीठ में किसी ने खूब पहन दिया है और ये पीछे खड़ा आदमी और एक भाले को तेगुमाई के पेट में खूब पैसने की तैयारी कर रहा है। और देखो, ये कोने में एक और आदमी है गुफा के पास जो भाले से तेगुमाई पर हमला करने की फिर से तैयारी कर रहा है और यह पीछे पूरी की पूरी हमलावरों की सेना हमला करने के लिए खड़ी है जो कि तेगुमाई के पीछे हमला करने के लिए आ रही है ना, ये चौंकाने वाली बात। हाँ, ये बिल्कुल चौंकने वाली बात है क्योंकि तेशुमाई जिसे हमलावर समझ रही है, दरअसल वो टैफी के बीवर्स है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये लेसन फिनिश होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।